अस्सलाम वालेकुम मिडिल क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं बेटा? ठीक है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्ज और उसकी फील्ड से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो हम देख रहे हैं। और बेसिक थीम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वान्टिटी विच डिस्क्राइब्स हाउ अ चार्ज बिहेव्स। वो किसी को कितनी एनर्जी देगा, किसी पे कितनी फोर्स लगाएगा, किसी को कितना वोल्टेज देगा, पोटेंशियल कितना दे सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिस्क्राइब मैनी थिंग्स, राइट? ऐसे ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिलेटेड टू एवरी थिंग। फोर्स से भी रिलेटेड है, फील्ड से, पोटेंशियल से भी रिलेटेड है, फ्लक्स से भी रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर अटेंड किया था उसमें हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, और बेसिकली कैपेसिटर पढ़ते पढ़ते बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ ली थी कि भाई कोई चीज़ कंडक्टर है तो कंडक्टर क्यों है, और अगर इंसुलेटर है तो वो इंसुलेटर क्यों है, राइट? ऐसे ही था ना, मैंने कहा था कि भाई अगर कोई चीज़ कंडक्टर है तो सबसे पहली बात ये है कि उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। अगर कोई चीज़ इंसुलेटर है, कंडक्टिविटी नहीं करवाती, यानी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाती, तो उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? मैंने ये बताया था कि भाई जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अपने एटम के साथ अटैच तो रहते हैं लेकिन सरफेस पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये जैसे एग्जांपल मैंने दी थी, अगर याद हो तो प्रिजनर की एग्जांपल दी थी कि भाई तीन तरह के प्रिजनर हैं एक जेल के अंदर। एक वो प्रिजनर है जो कि दीवार के साथ बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है, जैसे कि सुलेब पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हैंग किया गया था। एक वो प्रिजनर है जिसको जेल के अंदर रस्सी से बांधा हुआ है, तो एक जो जंजीर है उससे बांधा हुआ है तो वो एक जगह तक जा सकता है, वो है वैलेंस। एक वो है जो उसके जेल के अंदर, उस कोठरी के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, वो है फ्री। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फ्री बन जाता है। इंसुलेटर में जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर वो ये कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जो इंसुलेटर है ऑन दी अदर हैंड, उनमें क्या होता है, उनमें वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में इतनी आसानी से नहीं जा सकता। द गैप इज़ फॉरबिडन, नॉट अलाउड। तो इसलिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बनता ही नहीं है, कंडक्टिविटी भी नहीं होती। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, उसके क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सकती है, और ये भी एक्सप्लोर करेंगे इस लेक्चर में कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवाती है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इसका, किसका, कैपेसिटर का, जो कल मैंने उस दिन लिखवाया था, वो क्या था, एन इंसुलेटर बिटवीन टू कंडक्टर्स इज नोन एज अ कैपेसिटर, राइट? एक इंसुलेटर है बिटवीन टू कंडक्टर्स, और इंसुलेटर अभी मैंने बता दिया है कि उसकी सरफेस पे इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कंडक्टिविटी नहीं करवा सकता। कंडक्टर करवा सकता है चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे बेटा दो फ़ोन दे दें, कोई से भी काइंडली दो फ़ोन दे दें। हाँ, आप दोनों दे दें, वो भी दे। अब मिसाल के तौर पे कि मेरे पास ये दो
दो प्लेट्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, एक की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है दोनों साइड्स, यानी इसके पास पॉजिटिव फील्ड है और इसके पास जो है वो नेगेटिव फील्ड है, राइट। इसके पास ज़्यादातर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आमने सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या मौजूद है, क्योंकि यहाँ चार्ज मौजूद है तो हम गॉस लॉ से पढ़कर आए हैं कि चार्ज अगर किसी सरफेस पर मौजूद होगा तो चार्ज डेंसिटी भी वहाँ मौजूद होगी, चार्ज डेंसिटी भी वहाँ मौजूद होगी। और गॉस लॉ से हम ये पढ़कर आए हैं कि फील्ड किसी एक सिंगल प्लेट की, राइट, हमने गॉस लॉ से एस्टिमेट की थी फील्ड ऑफ अ प्लेट जो होती है वो कितनी होती है, फील्ड ऑफ अ प्लेट होती है ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, अगर याद हो, दोनों साइड की जो प्लेट की फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, विच इज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। यही पढ़ा था ना गॉस लॉ में हमने, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में। अच्छा, अब इसके पास क्या मौजूद है, एरिया, क्या मौजूद है, एरिया। तो एरिया बढ़ाऊंगा, एरिया बढ़ाऊंगा, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, ऐसे ही है ना, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो ए इज़ द एरिया, तो एरिया या तो इतना हो सकता है या इतना बड़ा भी हो सकता है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, राइट। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, दोनों के पास एरिया मौजूद है। अब मैं दोनों को करीब ले आया, फिलहाल कोई इंसुलेटर बीच में नहीं रखा, सिर्फ दो कंडक्टर्स जो कि अपोजिटली चार्ज्ड हैं उनको आमने सामने ले आया, ले आया। तो मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज के सामने, किसके सामने, पॉजिटिव प्लेट के सामने, क्योंकि ये 2D है तो नजर नहीं आ रहा, पॉजिटिव प्लेट के सामने एक नेगेटिव प्लेट को ले आया, जो बोर्ड पे नजर आ रहा है वो ये साइड है, वो ये साइड है, लेकिन एक्चुअली ये साइड है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो ये दो आमने सामने आ गई, दोनों की दोनों अपोजिट चार्ज हैं, दोनों की दोनों अपोजिट चार्ज है। तो फील्ड एक के पास भी है, फील्ड फील्ड दूसरी के पास भी है। अच्छा, अब क्या होगा, अब जो फील्ड है दोनों के बीच में स्टेबल होना शुरू करेगी, तो फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, जब फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं तो ऐसी फील्ड को हम यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। अब आधी साइड इसकी इस्तेमाल हो रही है, आधी साइड इसकी इस्तेमाल हो रही है, ये भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। थर्ड, द फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज ऑल्सो दिस वन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये आ गई, मैंने दोनों को रखा आमने सामने, दोनों ने फील्ड इंटरेक्शन किया, फील्ड स्टेबल हो गई। तो क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, एरिया ऑफ द प्लेट्स अपनी जगह पर मौजूद है, एरिया ऑफ द प्लेट्स अपनी जगह पर मौजूद है, चार्ज अपनी जगह पर मौजूद है, चार्ज डेंसिटी अपनी जगह पर मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह पर मौजूद है, अभी इनर्जी कहीं से नहीं आई, अभी इनर्जी की कोई बात नहीं हो रही। हमने क्या कहा है, दिस इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब एक और फैक्टर आ गया,
वो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऐसा ही है ना। एक और फैक्टर आ गया, वो कौन सा है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी तगड़ी होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? कि भाई प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। प्लेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। क्यों? ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया था 1/r² से, कि फील्ड को क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है, टारगेट एरिया चाहिए होता है। टारगेट एरिया जितना दूर जाएगा उतना छोटा हो जाएगा, जितना करीब आएगा उतना बड़ा हो जाएगा। यही बताया था ना, यही समझाया था ना। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करें, क्या करें? हम देख रहे हैं कि अभी तक मैंने इसमें इंसुलेटर को इंसर्ट नहीं किया। अब मैं एक इंसुलेटर लेकर आता हूँ और वो इंसुलेटर जो है, सॉरी, वो इसके अंदर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे किसी ने पानी के अंदर कोई स्ट्रिप को डिप किया हो, पानी के अंदर किसी स्ट्रिप को डिप किया हो। अगर मैं पानी के अंदर स्केल रखूं, नॉर्मली जो हमारा स्केल होता है पानी के अंदर, अगर मैं वो डाल दूं तो क्या होगा? आप कहेंगे जिस जगह पानी मौजूद है वहाँ, जिस जगह स्केल मौजूद है वहाँ से पानी डिस्टर्ब हुआ है। भाई एक्वेरियम में मछली देखते हैं ना, एक्वेरियम में मछली देखते हैं ना, पानी के अंदर मौजूद होती है, तो जिस जगह वो पानी के अंदर मौजूद होती है वहाँ पानी का स्मूथ होता है, लेवल में होता है। नहीं, आप कहोगे पानी डिस्टर्ब हुआ हुआ है, वहाँ पर पानी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। एज इट इज़, जैसे ही इंसुलेटर इसके अंदर आएगा तो वो इंसुलेटर जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा थोड़ा सा, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले डायरेक्ट पास हो रही थी, डायरेक्ट पास हो रही थी ना, अब किसी मटेरियल में से पास हो रही है। जब किसी चीज़ में से डायरेक्ट पास होती है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट, द परमिशन ऑफ द स्पेस, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। कहते हैं ना भाई, दिस इज द परमिशन टेकन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द स्पेस। अब मटीरियल आ गया, कौन सा मटीरियल आया, कौन सा मटीरियल आया? इंसुलेटर। वो प्लास्टिक भी हो सकता है, वो कागज़ भी हो सकता है, वो लकड़ी भी हो सकता है, वो थर्मोपोल भी हो सकता है, सारे इंसुलेटर हैं। वो रबर भी हो सकता है, इंसुलेटर आ गया। ऑयल भी हो सकता है, ऑयल भी इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर आ गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस में से पास हो रही है? स्पेस में से प्लस इंसुलेटर में से। तो इंसुलेटर में से पास होने के लिए जो परमिशन चाहिए उसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। कितने फैक्टर्स हैं? चार्ज है प्लेट्स के ऊपर, फील्ड है, एरिया ऑफ द प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, परमिशन फ्रॉम द स्पेस है, परमिशन फ्रॉम द मटीरियल है, सही है? फील्ड इस इंसुलेटर के साथ इंटरैक्ट करेगी। अगर तेज हवा चल रही हो, तेज हवा, तो मिट्टी के डस्ट पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल्स एक तरफ हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में हवा होगी डस्ट पार्टिकल्स, कचरा, हर चीज़ उसी डायरेक्शन में उड़ना शुरू कर देगी। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो जब फील्ड इसकी सरफेस से इंटरेक्ट करेगी तो जो पॉजिटिव चार्जेस की प्लेट है वो इस इंसुलेटर के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी, और जो नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट है वो इस इंसुलेटर के मौजूद जो पॉजिटिव आयन्स हैं, प्रोटॉन्स नहीं, आयन्स, उनको उस तरफ खींचेगी। अच्छा अब क्या होगा? पहले प्लस माइनस के कितने बन रहे थे, पहले प्लस माइनस के कितने पेयर बन रहे थे इंसुलेटर रखने से पहले?
आप कहेंगे दो, अब कितने बन गए? अब कहेंगे अच्छा भाई एक तो ये बन गया, एक प्लस माइनस का ये बन गया, एक प्लस माइनस का ये बन गया, तीन बन गए पेयर। ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस हो और वो किसी जगह पर मौजूद हो, इस प्लस माइनस चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस हो, दो अपोजिट चार्ज हो किसी डिस्टेंस पर मौजूद हो, इस कॉन्फिगरेशन को कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, डायपोल। क्या कहते हैं? डायपोल। जब ये प्लस चार्ज हटा देंगे सिर्फ माइनस रह जाएगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक मोनोपोल, सिंगल चार्ज, मोनो मीन सिंगल, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल भी होता है डायपोल भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो कि नॉर्थ एंड साउथ से मिलकर बनती है सिर्फ डायपोल होता है। ये अगर आधा नॉर्थ है ना, मैं इसको तोड़ दूं, काट दूं, तो इस नॉर्थ के अंदर फिर एक नॉर्थ साउथ बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं कर सकते, मैग्नेट्स में डायपोल होता है। तुम में से अगर कोई मैग्नेटिक मोनोपोल ढूंढ लेता है तो नोबेल प्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा है। तुम लोगों में से अगर कोई भी इतना काबिल हो कि मैग्नेटिक मोनोपोल को डिस्कवर कर ले तो नोबेल प्राइज़ सूखा सूखा उसको मिल जाएगा। वेल, अब देखें कौन करता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल पहले कितने थे? एक। अब कितने बन गए? तीन। तो एरिया बढ़ाते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा ही है ना, डायपोल्स और बढ़ते जाएंगे। ये डायपोल्स होते हैं ना, इसके पास दो चार्जेस होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी में होता है फर्क। एक के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ज्यादा, एक के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है कम। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फर्क है ना, यही वो एनर्जी है जो कि स्टोर होती है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रही होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क किसको मिलेगा? हम कहते हैं वोल्टेज इज डिफाइंड एज वर्क डन पर चार्ज, और वोल्टेज को डिफाइन करने के लिए हम ये भी कहते हैं दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क होगा, समझाया था उस दिन, उतना ही अगर उस चार्ज को डिलीवर हो जाए तो वोल्टेज यानी झर्क झर्क मिलेगा, एक झटका मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? वोल्टेज पर चार्ज, सॉरी वर्क डन पर चार्ज यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज। तो डायपोल के पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका मतलब डायपोल के पास क्या है? वोल्टेज। और इसका उल्टा मतलब क्या है? वोल्टेज है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डायपोल्स बनाती है, और डायपोल्स जैसे ही बनते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब जितनी देर में सारे डायपोल्स बनेंगे वो कहलाता है कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम। The time taken by the capacitor to make full dipoles, all the dipoles, सारे डायपोल बन गए जितने बनने थे, क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? चार्जिंग टाइम। इसको टी से शो करते हैं, और ये होता है रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ क्या सीन है? जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, डायपोल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, ऐसा ही है ना, वोल्टेज जमा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है वोल्टेज, जमा होता जा रहा है। वोल्टेज के पास क्या मौजूद है? पोटेंशियल एनर्जी। इन डायरेक्ट सेंस में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर होती जा रही है, जैसे जैसे डायपोल बन रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है, एनर्जी स्टोर होती जा रही है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूँ तो दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद ये आएगा क्यूज इक्वल्स टू सी इंटू वी, वेयर सी इज नोन एज
सी इज नोन एज व्हाट? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और ये कैपेसिटेंस क्या है? अगर कैपेसिटर टैंकी है जो कि एनर्जी को स्टोर कर रही है, तो कैपेसिटेंस एनर्जी बताएगी कितनी स्टोर हो रही है, कैपेसिटी है उस टैंकी की, एक लीटर की है, दो लीटर की है, पाँच लीटर की है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं सी। और सी को हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो सी क्या बनेगा? सी बनेगा क्यू अपॉन वी विच इज कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कूलम पर वोल्ट, इसका यूनिट होता है फेरेड। आम लेकिन वन फेरेड बहुत बड़ा यूनिट है, वन फेरेड में बहुत एनर्जी होती है। तो नॉर्मल कैपेसिटर्स जो लगे हुए होते हैं पंखों वगैरह में, आप घर पे जाके देखना, वो माइक्रो फेरेड में होते हैं। कोई कैपेसिटर अगर आपको मिले तो आप घर जाके देखिएगा, माइक्रो फेरेड्स में होते हैं, इंतहाई छोटा सा चार्ज स्टोर होता है, छोटी सी एनर्जी स्टोर होती है, राइट? अच्छा, अब क्या करें, ये कैपेसिटेंस बढ़ाने का क्या तरीका कार है, क्या तरीका कार है कैपेसिटेंस बढ़ाने का? कॉमन सेंस क्या कह रहा है? कॉमन सेंस कह रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आप एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ा दें। एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ाएंगे, चार्ज कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली डाइपोल ज़्यादा बनेंगे, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। ये कहता है एरिया ऑफ द प्लेट्स ना बढ़ाएं तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कम कर दें। जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करेंगे, फील्ड स्ट्रांग होगी, फील्ड ज़्यादा डाइपोल बनाएगी, ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ऐसा ही है ना, दोनों को मर्ज कर दें, सी प्रोपोर्शनल टू ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन डी। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये कभी कभी सवाल आता है एमसीक्यूज में एंटी टेस्ट के, कि भाई अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए एरिया आधा करें तो क्या होगा, डिस्टेंस आधा करें तो क्या होगा, डिस्टेंस डबल करें तो क्या होगा, एरिया फोर टाइम्स कर दें तो क्या होगा। ये सवाल आता है कि कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस किस पे, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और डायलैक्ट्रिक मटीरियल। डायलैक्ट्रिक मटीरियल चेंज करने से, यानी इंसुलेटर चेंज करने से भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ सकता है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है कि आरसी क्या चीज़ है। टाइम होता है सेकंड में, आर होता है ओम्स में, इनटू फेरेड, ये ओम इनटू फेरेड भी सेकंड ही होता है। कभी मैं प्रूव करवाऊंगा कि ओम इनटू फेरेड सेकंड कैसे होता है, जब हम ओम भी डिस्कस कर लेंगे कि ओम क्या होता है, ठीक है? तो आरसी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आरसी विच इज़ द टाइम कांस्टेंट और द चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर। तो ये आपने सब लिखना है ऐसे ही, कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, फिर जैसे इंसुलेटर इंसर्ट किया तो चार्जेस एक तरफ हो गए, उसकी वजह से डायपोल बन गए, डायपोल बनने की वजह से क्या हुआ, एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई। जितने ज़्यादा डायपोल बनेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर करवाने के लिए कैपेसिटेंस है, जो कि एरिया, डिस्टेंस और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, दैट्स इट। अब कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल वो हम पढ़ेंगे, रेजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, सही है? तब तक जो है, अब इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसा है कि मैं रेफ़र कर दूंगा, आप लोग खुद से अटैम्प्ट करें, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी बता देता हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए वो फिर मुझसे पूछ लें। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको उसमें रेफ़र कर दूंगा नोट्स की फॉर्म में, ठीक है? ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।